तो आज हम चेक करने वाले हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर के टॉप 5 मिथ्स जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, और ये मिथ्स होने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा पहला मिथ होने वाला है कि अगर हम रोड पे चलती हुई कार के सामने अपनी कार लगा देंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अगर हम रोड पे चलती हुई गाड़ी के सामने ट्रक अड़ा देंगे तो गाड़ी या ट्रक को उड़ा देगी। सो लेट्स गो गाइस, ये वाला मिथ चेक करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी और अभी मैं फटाफट से गाड़ी से उतर जाता हूँ। और ये क्या भाई, यहाँ पर गाड़ियां रुक चुकी है, क्या ही बात है। तो अभी यहाँ पर हम लेकर आने वाले हैं ट्रक। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर ट्रक लेकर आ चुका हूँ और एक काम करते हैं, मैं ट्रक को यहाँ पर ही लगा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर कोई गाड़ी आएगी तो मैं यहाँ पर चेक कर पाऊंगा कि ये वाला मिथ करेक्ट है या फिर बस्टेड है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर ये वाला ट्रक लगा दिया है और भाई ये क्या, अबे भाई गाड़ी ने भाई सीधा ट्रक ही उड़ा दिया भाई, ये क्या ही बात है भाई। गाड़ी लगाएंगे तो गाड़ियां रुक जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रक लगाएंगे तो भाई गाड़ी सीधा पलटा देगी। तो गाइस ये वाला मिथ करेक्ट है। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट मिथ होने वाला है कि कार पेंटिंग शॉप के बाहर लेफ्ट साइड में काफी सारे न्यूज़पेपर और काफी सारा कूड़ा करकट पड़ा है, तो हम वहाँ से न्यूज़पेपर उठा के स्किल्स पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो यार ये वाला मिथ चेक करते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि हम यहाँ पर न्यूज़पेपर उठा के स्किल्स पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पर काफी सारे न्यूज़पेपर पड़े हैं और मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ओके, हम ये कलेक्ट कर सकते हैं भाई, और यहाँ पर देखो मेरे को स्किल्स पॉइंट मिल रहे भाई साहब। तो गाइस ये वाला मिथ करेक्ट है। ओके गाइस, तो अगला मिथ हमारा होने वाला है कि कार पेंटिंग की बराबर में एक चेयर रखी हुई है और अगर हम दूर से गाड़ी की टक्कर मारेंगे तो वो चेयर टूट जाएगी। तो चलो यार ये वाला मिथ चेक करते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर कार पेंटिंग के बाहर आ चुका हूँ, फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर ही रोक देता हूँ। और ये रही वो चेयर, तो अगर मैं यहाँ से दूर से गाड़ी भिड़ाऊंगा इसमें तो ये कुर्सी टूट जाएगी। ओके ठीक है, यहाँ से मैं अपनी गाड़ी उस कुर्सी में भिड़ाने वाला हूँ और देखते हैं कि ये वाली कुर्सी टूटेगी या फिर नहीं। लेट्स गो। क्या यहाँ पर ये कुर्सी टूटी है? यार यहाँ पर ये कुर्सी नहीं टूटी है, ये कुर्सी अभी भी बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। तो ये वाला मिथ बस्टेड है। ओके गाइस, तो हमारा अगला मिथ होने वाला है कि रिपेयर होती कार को हम रिपेयर होते टाइम उसे टो करवा सकते हैं। तो ये वाला मिथ सही है या फिर गलत है? सो लेट्स गो चेक करते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर ऑटो रिपेयर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी कोई भी कार नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपनी कार लेकर चलता हूँ और देखता हूँ कि ये वाला मिथ करेक्ट है या फिर बस्टेड है। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपनी कार पार्क कर दिया और मैं फटाफट से इस भाई साहब को बोल देता हूँ कि अपनी कार को रिपेयर कर दे। लेट्स गो, तो मैंने यहाँ पर कार को रिपेयर पे लगा दिया है। तो अभी इस कार को ऊपर जाने देते हैं और इस बंदे को यहाँ पर रिपेयर करने देते हैं। तो चलो यहाँ पर ये बंदा रिपेयर कर रहा है, तो अभी मैं काम करता हूँ इसको। यार इस पे तो कहीं भी ऑप्शंस नहीं आ रहा है कि मैं इसको टो करवा सकता हूँ। हेलो, ये वाला मिथ कैसा है भाई, यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शंस नहीं आ रहा है कि इसको हम टो करवा सकते हैं। तो गाइस ये वाला मिथ बस्टेड है। तो लास्ट और आखिरी मिथ हमारा होने वाला है कि अगर हम यहाँ पर दूर से गाड़ी भगाते हुए लाएंगे और एक पहाड़ी से जंप कराएंगे तो हमारी गाड़ी यहाँ पर इस मैप से बाहर चली जाएगी। सो ये मिथ चेक करना बनता है। लेट्स गो गाइस, तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ और अभी मैं इस गाड़ी की स्पीड बढ़ाने वाला हूँ और इसको कूदाने वाला हूँ मैं इस पहाड़ी से। और यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली गाड़ी यहाँ पर इस मैप से बाहर जा पाएगी या फिर नहीं। अभी ये क्या भाई, तो ये गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि इस मैप की रेंज यहाँ तक ही है। तो ये वाला मिथ बस्टेड है। गाइस गाइस गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके पास कुछ ऐसे ही फनी फनी और मजेदार मिथ्स है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं उनको भी चेक करूंगा। सो लेट्स गो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।